प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का एक और बार विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। आज कुछ खास बात फिर से आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। कैसे चलाएंगे इस बारे में नहीं, पर कैसे इससे बचना है इस बारे में बताएंगे। सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, जी हाँ, एक नशा है। जैसा कि आपको पता है, जिस तरह से सिगरेट, दारू और अनेक प्रकार के जो नशे हैं उनकी लत होती है, वैसे ही सोशल मीडिया की भी एक लत है जो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं लगी हुई है, कहीं ना कहीं उसे पकड़ी हुई है। आजकल शॉर्ट्स और रील देखने का बहुत जमाना आ गया है। हर कोई देखो तो स्क्रॉलिंग, बस स्क्रॉलिंग करता जा रहा है। पता है, अगर आपको एक बार अगर आप उस पर बैठ गए और अगर आपने शॉर्ट्स या रील्स देखने अगर आप लग गए हैं, तो आप सोचेंगे चलो एक दो रील्स देख लेते हैं, चलो 5 मिनट ये कर लेते हैं, लेकिन आप उससे आधे घंटे से पहले आप उससे निकलेंगे नहीं, जब तक कि आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरी काम ना पड़ जाए या कुछ याद ना आ जाए। इसके बारे में अगर हम बात करें, मोबाइल, पता है आपको, मोबाइल की एक ऐसी लत है, मोबाइल उठाया, स्क्रीन खोला, वापस रख दिया। कम से कम 5 से 6 हजार बार एवरेज है एक व्यक्ति अपने मोबाइल को टच करता है। साथ ही साथ में एक और है, रिसर्च के अनुसार हमें पता चला है कि एक व्यक्ति एवरेज जो है एक दिन में 5 से 7 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जो भी लोग सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, मतलब रियलिटी से बिल्कुल अलग। उनको लगता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही सब कुछ है। ये बात बड़ी अजीब है। पता है आपको, ये बातें कुछ इस रीति से, जिन लोगों के सॉन्ग्स या गीत या बातें, आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन और उनकी मूवीज, उनके सॉन्ग्स जिनको आप ट्रेंडिंग में लाते हैं ना यूज कर करके, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको महीनों और सालों बीत जाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलकर देखे हुए, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम ये करने बैठे तो हम अपना बिजनेस और अपना काम नहीं कर पाएंगे, घंटों इसी में बीत जाएंगे। वो लोग बच रहे हैं इन सब चीजों से, लेकिन आप लोग उनको देखकर उस चीज में फंस रहे हैं। ये कुछ ठीक उसी रीति से जिस तरह से आज भारत में चल रहा है ना, विमल खाओ, कैसर कदम, चीटिंग, ये सब। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत को सुधारने के लिए है? बात सही है। बड़ी अजीब बात है। आज की दुनिया में कुछ इस रीति से हो गया कि लगता था कि मोबाइल फोन खरीद लीजिए और हम इसको अपने वश में जब चाहे जब चलाएंगे, लेकिन पता है क्या हो गया है, मोबाइल ने आपको वश में कर रखा है। अब आप अपनी इच्छा से मोबाइल नहीं चलाते, अब मोबाइल आपको चला रहा है कि आप उसे चलाएं। जी, एक हार्मोन है जिसके बारे में अगर हम बात करें, डोपामाइन एक हार्मोन होता है जो कि आपको चीजों को और करने के लिए प्रेरित करता है। मोबाइल के बारे में अगर हम आपको बात बताएं, जब आप मोबाइल सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना, डोपामाइन हार्मोन वहां पर सबसे ज्यादा काम करता है। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च करते समय चूहे पर डोपामाइन के बारे में रिसर्च करी। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चीज उसके दिमाग में लगाई और वो बटन जो है उसी के पिंजरे में था। साइंटिस्ट जाता और अपनी उंगली से उस बटन को जैसे उसने दबाया, वो तरंगे वो सब चीजें जाकर उसके दिमाग में जो लगाई थी डोपामाइन हार्मोन बढ़ाने के लिए, उस पर क्लिक करते ही उस पर डोपामाइन हार्मोन जो है वो बढ़ा। उसके बाद साइंटिस्ट दूसरे दिन फिर आया, उसने वो दबाया। तीसरे दिन पता है क्या हुआ, उस चूहे को उससे इतना ज्यादा मजा आने लगा कि वो चूहा खुद आकर उस बटन को दबा रहा है। उसने दिन में एक बार दबाया, फिर उसी दिन में वो दूसरी बार भी उसे दबाने के लिए आया। जैसे जैसे दिन बदलते गए और पांचवें दिन पता है क्या होता है, उसने अपना खाना और बाकी सब चीजों को छोड़कर उस बटन के पास जाकर वो बैठ गया और जाकर कंटिन्यू उसको दबाता रहा। उसको इतना ज्यादा एंजॉय उससे आ रहा था, वो उसके लिए सबसे ज्यादा घातक था। वैसे आज हमारे लिए भी बहुत ज्यादा घातक है। आपको पता है भारत की अगर हम बात करें, 7 में से 1 बच्चा जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, एंग्जाइटी में जा रहा है। साथ ही साथ में एक और चीज है, वो है ADHD। इसके बारे में आपने सुना होगा, ADHD जो बीमारी है वो कुछ इस रीति से, मोबाइल में इतना ज्यादा घुसे हुए कि आपने कुछ काम बताया और वो इग्नोर कर दिया। एक्चुअली इग्नोर नहीं किया, उनमें यह है कि उन्होंने उस काम को सुना ही नहीं, क्योंकि उनका अटेंशन वहां पे नहीं है। तो ADHD जो है वो अटेंशन वो धीरे धीरे खोने लगता है, चीजों को वो भूलने लगते हैं, कामों को, बातों को, पढ़ाई को, और धीरे 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 इस तरीके से चीजें बिगड़ती जाती है। सोशल मीडिया आपने देखा होगा रील्स में आजकल बड़ा अजीब चीजें हो रही है, लोग नाच रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, जो भी उल्टा सीधा कर रहा है बस वही बढ़ रहा है। बड़ा अजीब हो गया है, दुनिया एक भेड़ चाल की तरह एक के पीछे एक मोबाइल लेके बस चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, और वो एक गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। कोई भी किसी के इमोशंस के बारे में नहीं सोचता है, किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी को इस बात से कितना बुरा लग सकता है, किसी की जिंदगी भी जा सकती है। कई लोगों की फोटोज वीडियोस को वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया है, बहुत सारे लोग मर गए और बहुत से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं। ये सब चीजें इतनी खतरनाक हो गई है, सोशल मीडिया के द्वारा ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, सोशल मीडिया के द्वारा ही आपके मोबाइल्स और आपके घर, आपका बैंक अकाउंट तक हैक कर लिया जाता है, सोशल मीडिया के द्वारा ही आपका भी ट्रैकिंग किया जाता है। क्योंकि आजकल बड़ी अजीब आदत हो गई है, कहीं पे भी जा रहे हैं अपने स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, आज हम यहाँ पर है, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम वहाँ जा रहे हैं, और ऐसा करते करते ही पता है क्या होगा, आप जो डालते हैं ना फोटोज, आज मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने गया, उसी टाइम पे आपने वो डाली, स्कूल लेने गए आप, गए उस स्कूल की फोटो आपने खींची, एक दिन आएगा जब आपकी बेटी या बच्चे को लेकर वो वहां से उड़ाकर ले जाएगा और आपको लगेगा ये किसने किडनैप कर लिया। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आप ही ऐसे लोगों को दे रहे हैं। कंपैरिजन भी सोशल मीडिया सिखाता है, लोगों को सोशल मीडिया पर देखने के बाद में एक अलग ही कंपैरिजन आ जाता है, अरे उसके पास देखो कितना पैसा है। आजकल व्लॉग्स का जमाना हो गया है, लोग बनाते हैं व्लॉग्स में, क्या होता है लाइफ स्टाइल को दिखा रहे हैं, अपने घर को, चलने को, फिरने को, गाड़ी को, पैसे को, खाने को, और उनकी चीजें जितनी भी है उन सब चीजों को बता रहे हैं। उससे क्या लगता है, उन व्लॉग्स को देखने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो भी उसी जिंदगी में जी रहा है, जबकि उसकी जिंदगी वो है कि वो दाल चावल खाए और उसकी जिंदगी वो है कि वो 5 स्टार में जाकर उसी दाल चावल की प्लेट को 1000, 1200, 2000 और 5000 में खा रहा है। मेरे प्रियो, आपको भरमाया जा रहा है,
अगर इस समय नहीं सुधरे तो चीजें आगे जाके बहुत ज्यादा बिगड़ जाने वाली है। एक बात अगर आपने देखी होगी, अगर आप घर में जैसे ही जाते हैं अपने बेड पर बैठे, आपकी वाइफ भी आपके पास में है, अगर आप अपनी वाइफ से बात करने के बजाय अगर आप अपना मोबाइल चलाएंगे, हो सकता है थोड़े दिन वो आपको डांटे कि आप ऐसा ना करें, थोड़े दिन बाद पता है क्या होगा, वो भी उसी मोबाइल को चलाने लगेगी। उसके बाद में आपके रिलेशन और आपके रिश्ते जो है वो दूर दूर हो जाएंगे और दोनों आप कहीं ना कहीं कोनों में बैठ के अपने फोन में मोबाइल चला रहे हैं और सोशल मीडिया की वही बेवकूफियां देखकर बेवकूफी करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लोगों को देखकर लोग अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत विश्वास योग्य है जो आपके मरने तक आपके साथ रहेगा। यहीं पे आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक पार्टनर अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, वो गाना सुन लिया आपने, बड़े इमोशन हो गए, उस गाने को सुनने की वजह से दिमाग खराब हो गया। अब आपको घर जाते ही पता है क्या लगेगा, आपकी बीवी भी आपको धोखा दे रही है, जबकि वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक बस आपके लिए काम कर रही है, आपके कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, वो अपने जीवन की सारी चीजों को खत्म और समाप्त करके ना आपकी जिंदगी को बनाने के लिए लगी हुई है, लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया है उस गाने को सुनने की वजह से। रिमेंबर, आप प्रभु में है, और अगर आप प्रभु में नहीं भी है ना, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं आपको भी ये कहूंगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। वो गाने, वो सब चीजें एक इमोशन पर लिखे गए हैं, किसी एक पागल व्यक्ति के पागल दिमाग की वजह से उसने वो गाना लिख दिया, आप उसे सुन रहे, आप उसे सुनकर अपने रिश्ते रिलेशंस खराब कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें बिगड़ रही है, इतना बिगड़ रही है मानो चारों तरफ से एक जाल ने घेर लिया हो जिससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा तीतुस की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और वचन 12 जहां पे लिखा है, और हमें चेतावनी देता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन बिताए। इस संसार में जितनी भी अभिलाषाएं हैं ये सब चीजें जीवन को बहुत खराब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कहां पर चल जाएगा। बाइबल कहती है अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर पाप नहीं करना चाहिए। ये आपकी अभिलाषा है कि आप घंटों तक कहीं पे भी समय बिता रहे जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है। सोशल मीडिया पर टोटल व्यभिचार हो रहा है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने समय को लिमिटेड कर दीजिए, जितना हो सकता है कम मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर को बाइबल पढ़ने में अपनी फैमिली के साथ समय ज्यादा बिताइए, रिश्तों को सुधारिए, प्रभु में बढ़ते जाइए, संसार की अभिलाषाओं से हटकर इस युग में जिस समय आप जी रहे हैं परमेश्वर के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताइए। प्रभु आपको आशीष करे। बाकी और भी मजेदार वीडियोस मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा जो आपको सिखाने के लिए होगी, जो औरों को भी बढ़ाने के लिए होगी। प्रभु की स्तुति महिमा और जयकार करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा, आप लोग बने रहे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे। फिर मिलेंगे कुछ टेक्निकल चीजों के साथ ऑल ऑन विजनरी रेडियो पर। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स। हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। Join us on Visionary TV.